के बाद जो है एक मुकालमा पेश करने के लिए जाहिल घराना, मैं दावत देता हूँ इसके लिए नासिया उनके ग्रुप को, वो आए अपना ड्रामा पेश करें। अयो माँ, वो तो चोटी के कोने की जैसे साथ में छेतिया। और बताओ माँ, क्या हाल चाल है तेरा? क्या बताओ माँ, जब तेरे भाईजान जवानी में काम धंधे की पूरी झंझट मेरे ऊपर निकालते, तभी तो इतना कुटते कि बाप की डबी अयो माँ, इन्हें तो ऐसा बोल रही, मेरा मरा तो मैं को मारता ही नहीं था, वो केला था चप्पला जिस करवट पे गिरती इस करवट पे मारते। अयो माँ, तुम दोनों तो ऐसा बोल रहे, मेरा मरा तुझे मारता ही नहीं था, जान दियो माँ जान चुकी, अच्छा हुआ तीनों की तीनों बुढ़े के लाई गाय थी गाय, मगर अब लात मारने वाली बैल बन गई है, मेरे बेटे पर तो जादू ही कर दिया। अयो माँ, मेरे बाबू कहाँ बोले कि थाई थाई करके मेरे आम पे जाती और मेरे बेटे के रोज रात को खाना भर भर के देती, वैसे कहाँ बैठी हो तीनों? दूसरे कमरे में चुग लिया करते हुए। और क्या हाल है ओमा तेरा? क्या बताऊँ ओमा? असाइनमेंट है हम लोग। मेरी सास तो ऐसा डांटती धरी थी, इधर उधर हुई बोलेगी सारा घर सर पे उठाती। मेरी सास तो ऐसी है जो भी मेहमान आए उसके कान धरना शुरू कर देती है। अयो माँ, हम चलते गो। रुको माँ रुको, कुछ मंगाती खाने पीने को। ओ बहू सो गई क्या? कुछ ना खाने पीने को, बस काम धंधे के टाइम पे सोने कुछ होना। ये बुड्ढी को भी जरा गंदा ना किया जी, अम्मा सास को ले दिया करो। आगे आओ, ये क्या ला, ये काली फलिया छलिया। ओ खाला, आंखों का इलाज कराओ, केले से केले। अगे ओ आंखों का किसको बोल रही तू? पूरे गांव की लाइट बंद कर, फिर देख सुई में धागा कैसे पुरोती मैं। क्यों तेरे को बड़ों की कदर नहीं है क्या? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया? अन्य दोनों का बेटे कौन चोरा? ओ खाला माथल मत जाओ, अजमेर आओ अजमेर, वरना बहुत बुरा होगा। मैं तो क्या कर लेगी खाने की भूखी दिखरी दिखरी है, गलती तुम्हारे सर में डाल दूंगी तन्न बल के, खाना पीना सब बंद करवा दूंगी, वरना भीख मांग कर खाना पड़ेगा। आ गया
ओ खाला बड़ा रंडा खिलाने की बात करके खुद के नाक में घुसर लो। ए काबुल बैठ काबुल बैठ, लाती खालू की तेरी फसली पे। मेरे को मालूम था तू नहीं डांटी। दिखा दिखा ये पतिला तुम्हारे सर में टैलेंट बोल के डालूंगी। आई अब इसको मस्ती, आई अब इसको मार खाने के, आई अब रुक तो अब रुक। मेरी प्यारी बहनों ठहरो ठहरो, आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो? आजकल के मुआशरे में सास तो बहू से और बहू को सास से परेशानी है, जबकि झगड़ा दोनों का होता है। हम दोनों आपके इस झगड़े की सलाह करेंगे। गौर से सुनिए, बारिश का खतरा सांप और सीपी दोनों के मुंह में गिरता है, मगर सांप इस खतरे को जहर बना देता है और सीपी इसे मोती बना देता है। इसी तरह अल्लाह ने तमाम सबको दी है, कोई जहर उगल कर पस्त रह जाता है तो कोई मोती बिखर कर बुलंद हो जाता है। और जो बहुएं होती है वो अपनी सास को अपना दुश्मन समझती है, जबकि बहुओं को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो मुझे अपने घर बहू बनाकर लाती ही क्यों? जब इसने मुझे अपने घर बहू बनाकर ला ही लिया है तो ये मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मोहसिना है। इसका मेरे ऊपर एहसान है कि इसने मुझे अपने बेटे के लिए मुंतखब किया है। और मेरी सास सास ही नहीं बल्कि मेरी माँ है। और बहुओं को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले यह हंसता फंसता घर था, माँ थी, बेटा था, बेटी थी और भाभी था। आपस में सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। मेरे शौहर को मेरी सास ने कितनी मेहनतों से पाला होगा। मैं इस घर में नई आई हूँ, मुझे अपने शौहर को सास से अलग नहीं करना चाहिए। जिस दिन बहू ये समझ लेगी तो यकीनन वो माँ और बेटे के मोहब्बत में कील नहीं ठोकेगी, बल्कि बहू का ये अमल सास और बहू के रिश्ते में मोहब्बत पैदा करेगा। आने वाली बहू अगर ये समझे कि मैं इस बूढ़ी औरत की खिदमत करूंगी तो अपने खुदा को राजी करूंगी और इसके लिए इसकी सास की खिदमत करना आसान हो जाएगा। बाद और इस बात से परेशान रहती है कि उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता। और जो बहुएं होती है वो बहुत होशियार रहती है, अपने खाविद को अपने खर्चे में कर लेती है। देखिए जो बहुएं होती है वो ऐसा सोचती है कि मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह मानी, लेकिन कोई बहू अपनी सास को माँ की तरह नहीं मानती। अगर बहू अपनी सास को माँ की तरह माने और सास अपनी बहू को बेटी की तरह माने तो घर में किसी किस्म की लड़ाई नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बात से मेरी माँ और बहनें गौर करेगी और अपने घर को जहालत से बचाएगी। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह हमारी सासू माँ ने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारी सासू माँ हमारे साथ बेटी जैसा बर्ताव करती है और हम भी अपनी सासू माँ के साथ सगी माँ की तरह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। प्यारी सासो अस्सलामुअलैकुम। आप भी किसी से कुछ कम नहीं होती, आप में बहुत बड़ी बुरी आदत होती है, बार बार किसी भी बात पर ताने मारती है। याद रखो सासो, आपके पास जो बहू बनकर आती है वो अपने सारे खानदान की मोहब्बत को छोड़ कर आती है। आपका भी फर्ज बनता है कि अपने बहुओं के साथ भलाई का मामला करे। मेरी प्यारी बहनों, झगड़ा करना बहुत ही बुरी चीज होती है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हाथ और ज़बान से लोग महफूज ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं। और अल्लाह ताला ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकद्दस रात शबे कद्र की तारीख बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आकर बताने ही वाले थे तो दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, तो अल्लाह ताला ने इस रात शबे कद्र की तारीख को भुला दिया। जब पूछा गया ये मामला क्यों हुआ तो फरमाया गया ये दो लोगों के आपस के झगड़े की वजह से भुला दिया गया। मेरी प्यारी देखो झगड़ा करना कितनी नौसत है, अल्लाह हमारी हिफाजत करवाए झगड़े की नौसत से। मैं सासू और बहू और दोनों से दरख्वास्त करती हूँ कि बहू अपनी सास को माँ जैसी समझे और सास अपनी बहू को बेटी जैसी समझे तो झगड़ा ही नहीं होगा। दोनों सिला रहने का मामला करें, अपनी आने वाली नस्लों को एक ईसाई नमूना बनाए। अल्लाह आप लोगों को हर एक के साथ नरमी का मामला करने वाला बनाए। ओ माँ किसकी बच्चिया तुम, कितना अच्छा सीखी ओ माँ, हमें दीन का कुछ भी मालूम नहीं था ओ माँ। इन बच्चियों की बातें सुनकर हमारे आंखें खुल गए ओ माँ। अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। और मैं इरादा करती हूँ मेरे भी पोती पोतों का मदर दाखिला मदरसे में करूँगी। और मैं इन बैठने वाले लोगों से भी कहूँगी कि वो भी अपने बच्ची बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ। माशाल्लाह आप लोगों को बात समझ में आ गई है, तो एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करें।
दूसरे की गलती एक दूसरे से माफी तलाफी करे तो इंशाल्लाह आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा, दुनिया में भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। हमको भी माफ कर दो सासु मां।